जिस बात का डर था दोस्तों वही हुआ है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने इंडिया को 28 रनों से हरा दिया और इसी के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना लिया है। इंग्लैंड ने ऑलमोस्ट हारी हुई मैच को इंडिया की मुंह से छीन लिया है। ओली पोप की 196 रनों की शानदार बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को एक सम्मानजनक स्कोर बनाने में मदद किया और टॉम हार्टली ने 7 विकेट चटका के इंडिया को जीती हुई मैच छीन लिया। टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी मेजबान टीम इंग्लैंड ने पहले इनिंग्स में कुछ खास नहीं कर पाया और 246 पे ऑल आउट होकर पेविलियन में वापस आ चुका था। इसके बाद इंडिया ने अपनी शानदार बल्लेबाजी की मदद से पहले इनिंग्स में 436 रन के सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया और इंग्लैंड से 190 रनों की बढ़त बना चुकी थी। फिर जैसे ही इंग्लैंड सेकेंड इनिंग खेलने आई तो अपने बैट्समैन की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत 420 रन बनाने में मदद किया, जिसमें सबसे ज़्यादा रन ओली पोप ने 196 रन बना के मदद किया और टीम इंडिया को 230 रनों का सामान्य लक्ष्य मिला। ऐसा लग रहा था जैसे टीम इंडिया इस मैच को पहले ही जीत चुकी है, मगर टीम इंग्लैंड की गेंदबाज टॉम हार्टली ने अपना जलवा दिखाया और बैक टू बैक 7 विकेट लेके टीम इंडिया को हाथ से मैच को छीन लिया और 28 रन पहले ही टीम इंडिया को ऑल आउट कर दिया और इसी के साथ पहला मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो गाइज, क्या लगता है आपको कि टीम इंडिया मैच वापसी कर पाएगी और किस वजह से हारी अपना मैच? आपने राय आप कमेंट कर सकते हो।